तो दोस्तों आज मैं विकास जी के पास आया हूँ और ये इनकी जो शॉप पड़ती है अकबरपुर में 8-9 किलोमीटर एक गांव पड़ता है, रुड़वा पड़ता ना, हाँ रुड़वा आठ पड़ता है। तो यहाँ पर सर जी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की अपनी शॉप है और पूरा अपना सेटअप बना रखा है। यहाँ से पास में घर भी है इनका, कम से कम 1 किलोमीटर समथिंग, 1 किलोमीटर समथिंग 1 किलोमीटर पास में नियर अबाउट घर है। तो इन्होंने पूरा सेटअप बना रखा है और ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप है, पूरा रिपेयरिंग करते हैं। और रिपेयरिंग के साथ साथ जनसेवा केंद्र है, आधार कार्ड है, फोटो लेमिनेशन, कवर, बैक कवर, जितना भी सारा काम है सब कुछ पूरा टोटल कंप्लीट काम है। तो सब पूरा अपने यहाँ पर रिपेयरिंग का पूरा सेटअप काम करते हैं। और सर को कम से कम शॉप ये कितना दिन हो गया आपको? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। हम जितने भी सारे जो भी स्टूडेंट लोग होते हैं, जो लोग सीख करके जाते हैं, तो उनकी दुकान पे जब संडे को फ्री होते हैं तो ऑफिशियली जितने लोकल के लोग होते हैं तो मैं उनकी दुकान पे जा करके विजिट करता हूँ। मेरा यहाँ से कानपुर से अगर देखा जाए तो यहाँ से हम लोगों का जो घर पड़ता है समथिंग 40-50 किलोमीटर होगा। 40-50 किलोमीटर फिर भी हम अपने बच्चों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं ताकि वो किस तरीके से अपनी शॉप को रन कर रहे हैं, उनको काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ताकि उनको हमारी तरफ से बेहतर सपोर्ट मिल सके। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो सीख करके अच्छी तरीके से खड़े हो सके। मेरा काम सिर्फ उनको मोबाइल फोन रिपेयरिंग काम सिखाना ही नहीं है, हमारा काम है उनको स्टैंड करना, उनको हमेशा के लिए सपोर्ट करना ताकि सफलतापूर्वक काम करते रहें और अच्छी तरीके से आगे बढ़े। तो विकास जी आप बताइए सर क्या क्या काम करते हैं और यहाँ पर आपके कितने सारे कस्टमर आते हैं और एक दिन में कितने तक का काम कर लेते हैं, ताकि और भी लोग जो सीखना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ से सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते, आप थोड़ा सा नहीं नहीं। एक दिन में सर जी कम से कम 10-5 कस्टमर आ गए एक दिन के अंदर, 10 रुपये। और भी काम है, आधार कार्ड, जैसे पैन कार्ड वगैरह, जन सेवा केंद्र आ जाते हैं वहाँ जितने लोकल के वो सब आइडिया हैं, वो सारे कस्टमर जाते हैं। लमसम 1,000-1,500 पर डे, 1,000-1,500 पर डे के घर का काम हो जाता है। और बहुत अच्छा सेटअप लगा रखा है, काफी चीजों को भी सेटअप बनाया हुआ है। कहते नहीं आदमी को अपने बिजनेस में इनकम करने के लिए 4-5 चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहली बात क्या है, वो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर सकता है, एसेसरीज का काम कर सकता है, नए मोबाइल फोन सेल के लिए सर ने अगर आप देखेंगे तो पूरा सेटअप बनाया, लेकिन अभी नहीं डाला है क्योंकि वो भी ऐड करने वाले। अगर आप पीछे देखेंगे सर दिखाई देगा पूरा सेटअप कितना अच्छा बनाया है। और बहुत अच्छी बात है ताकि ऐसे वीडियो के माध्यम से और भी लोग जो होते हैं उन लोगों को सीखने को मिलता है कि आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या हमारा तरीका होना चाहिए, ये सारी चीजें जो बातें होती है अब ऐसे ही पता चलती, देखने पे ही पता चलती है। और यहाँ पर देखिए सारे मोबाइल फोन के काम्बो हैं, इनके पास सारे काम्बो रहते हैं ताकि जो लोग कहीं डलवाने जाते हैं तो यहाँ पर तुरंत हैंड टू हैंड डाल देते हैं। तो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा सेटअप है। कलर फोटो के लिए कम से कम 4-4 फिल्टर लगा रखे हैं ताकि उनके पास यहाँ पर बैंक है, स्कूल है और भी इन सब चीजें संबंधित अगर जितना भी सारा काम आता है तो वो सारे काम को पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि छोटे से गांव में रहकर के लोग क्या कर सकते हैं, छोटे से गांव में लोग रहकर के दोस्त काम कर नहीं सकते, ये सिर्फ उनके दिमाग में थिंकिंग है। लेकिन जिस आदमी ने अपने दिमाग में यहाँ पर ठान लिया ना कि उसको काम करना है, उसको सफल होना है, उसको पैसे कमाना है, अपने यहाँ पर एक अच्छे तरीके से काम करना है, तो समझ लीजिए उसको जिंदगी में कोई भी आदमी नहीं रोक सकता। मेरी तरफ से सर के लिए बहुत सारी विशेष हैं, अच्छे तरीके से काम करें और हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वो हमारी टीम है, हम हैं और भी लोग हैं, तो सब लोग आपको मिलकर के सपोर्ट करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना है। सर के पास कोई भी मोबाइल फोन ऐसा आता है जो नहीं बन पाता, कोई कारण कोई दिक्कत आती है, तो वो 15 दिन में कानपुर आते हैं और अपने बैठ करके सारे मोबाइल फोन को बनाते हैं और उनसे कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आती तो वो भी उनको सपोर्ट मिलता रहता है। तो ये पूरा सेटअप है, आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप लगा करके, मशीन लगा करके सब अच्छे तरीके से रिपेयरिंग करते हैं। जो भी मोबाइल फोन आते हैं एक दिन में रिपेयरिंग होने के लिए तो दिन में अपना सारा काम करते हैं, शाम को सारे मोबाइल फोन को रख लेते हैं, जो हैंड टू हैंड वाला होता है उसको करके दे देते हैं, नहीं तो बाकी सब कुछ रिपेयर करके उसको अगले दिन देते हैं। तो ये पूरा काम करने का तरीका है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ईटे के स्टेट में आकर के सारे लोग सीख रहे हैं, सफल हो रहे हैं, अच्छी तरीके से अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान खोल रहे हैं, अपना ना सफलतापूर्वक बिजनेस कर रहे हैं। मेरा नाम राघवेंद्र, मैं इस लाइन में 18 साल हो गए मुझे मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सिखाते। हम हर एक बच्चों से बिल्कुल जमीनी हकीकत से जुड़े होते हैं ताकि वो सीख करके सफलतापूर्वक अपना अच्छे से काम कर सके और उनको कभी लाइफ में भविष्य में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए। तो विकास जी आप अपना अच्छी तरीके से काम करें, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आए तो ईटे के उसमें आए, हमेशा आप अपना सपोर्ट करें और अच्छी तरीके से काम करें। और भी कोई लोग ऐसे हैं जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, या आज लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं या बहुत एजुकेशन हासिल कर लिया है, पढ़ लिख गए हैं, सब कुछ कर लिया है, लेकिन आज भी सजीव लोग नौकरी के लिए बारे बारे घूमते हैं,
लेकिन कभी जिंदगी में आदमी ये नहीं सोचता कि वो नौकरी पाने की चाहत रखता है, लेकिन वो काम सीखने की कभी चाहत नहीं रखता है। अगर अपनी जिंदगी में कोई एक अच्छा हुनर सीख जाता है तो उस पर मुझे नहीं लगता कि नौकरी मांगने की जरूरत है। और सर ने भी बहुत सारी तैयारी करी है, कंपटीशन की तैयारी करी है, पढ़ाई करी, लेकिन पढ़ाई करने के बाद कुछ चीजें जिंदगी में कभी हासिल नहीं हो पाई। तो फिर सर ने अपना बिजनेस प्लान किया और देखिए आज कितना अच्छे अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान खोली है। तो आप अच्छे तरीके से काम करें और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।